ठक्कर हाउस में पुलिस की एंट्री। अपने बेटे के लिए रोई भाग्यश्री। सभी के आगे भाग्यश्री ने जोड़े हाथ। स्टारप्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में भाई ईशा की तबीयत अब ठीक है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आई है। तभी तो उनकी बिटिया रानी सवी ने की है उनके स्वागत की तैयारी। भाई जरा देखिए तो कैसे वो अपनी माँ ईशा को सरप्राइज दे रही है। अब तो अच्छा लग रहा है ना, आप अपने घर में आ गए। अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं रोज आपके लिए फ्लावर्स लेकर आऊंगा। अब ईशा को तो हॉस्पिटल से छुटकारा मिल गया। ईशा खुश। रजत बड़ा बंदी खर्चा, रेस्ट करो, आराम करो। तुम्हें बहुत रेस्ट की जरूरत है और चैन की सांस लो। अब सब ठीक है, ओके? यहाँ ये अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ठक्कर परिवार के घर आ गई है पुलिस लकी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसी ने तो ईशा का एक्सीडेंट करवाया है। भाई जैसे ही पुलिस को भाग्यश्री देखती है, देखिए कैसे वो अपने बेटे के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। वो नहीं चाहती कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाए, लेकिन सभी ने भी ठान लिया है कि वो अपने माँ के कातिल को जेल पहुँचा कर ही रहेगी। क्यों रजा, घर का मामला था ना, घर में ही निपटा देते हम। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। लकी ठक्कर, ईशा भोसले हिट एंड रन केस में आप गिरफ्तार किया जाता है। नाइक। यस सर। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो बोल रहा है उसने कुछ नहीं किया। उसे मत लेके चाहिए, प्लीज उसे मत लेके चाहिए। रजत के पापा चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, ये लकी को लेके जा रहे हैं। रजत उसे मत लेके जाइए। पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। नहीं ले चलो। इंस्पेक्टर साहब मत लेके जाइए लकी को, मेरी बात सुनिए, उसने कुछ नहीं किया। मतलब लकी ने भाई कि मतलब ईशा भोसले का जो एक्सीडेंट है वो किया है ऐसा हमें बताया गया है। और मतलब जब हम हॉस्पिटल में गए थे मिलने के लिए ईशा से, तो उन्होंने भी जो है लकी का ही नाम लिया है। तो हमें लकी पर शक है और इसीलिए पुलिस आई है उसको अरेस्ट करने के लिए कि उसने बहुत 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 गलत काम किया है। ऐसा कि किसी की जान लेने की कोशिश करना नहीं। भाग्यश्री तो मतलब उसको तो वो माँ है तो वो बेटे की तरह थोड़ा रहती है, लेकिन हाँ मतलब जो मृणमयी के साथ उसने किया वो तो गलत किया है, उसके लिए तो वो भी गुस्से में है। लेकिन मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। उसने जो भी किया वो गलत किया और मैं जानता हूँ वो शुरू से ही मतलब इस तरह की शरारतें और ये वो करता रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब इतना मतलब आगे तक वो चला जाएगा, इतना गिर जाएगा। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग है। हालांकि आपको बता दें कि कहानी में बहुत जल्द ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि रजत को ये पता चल गया है कि ईशा का एक्सीडेंट लकी ने नहीं किया है, लेकिन सभी फिलहाल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रुकिए इंस्पेक्टर, क्या मजाक है मिस्टर ठक्कर, आपने हमें खुद यहाँ बुलाया। कानून आपका गुलाम नहीं है मिस्टर ठक्कर, जो आपके इशारों पर नाचे। क्या कहा आपने, हम इसको यहाँ से लेकर जा नहीं सकते। हम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं और लेकर ही जाएंगे। हमारे पास अरेस्ट वारंट है इसके खिलाफ और अब आपको जो कुछ भी कहना है ना पुलिस स्टेशन में आके। आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन मेरा भाई भी कुछ है उसे आप ले लीजिए। सही वक्त पर आपने मिस्टर बाड़िया को मिला। थैंक यू। ओके चलता हूँ, एक मीटिंग, टेक केयर।
जब भी मुझे लगता है ना कि मैं आपको गुस्सा कर सकता हूँ, आप कुछ ना कुछ करके मुझे गलत साबित करते हैं। आज मुझे वाकई लगा था कि आप सच का साथ, लेकिन एक बार आपने इंसाफ में जब भी किया और सब इतना ही सच का तो मजाक बना कर देते सर। लेकिन लकी कह रहा है ना कि उसने ये एक्सीडेंट नहीं किया और मुझे भरोसा है वो किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। हालांकि उसने मम्मी के बारे में हालांकि उसने मम्मी के साथ जो किया उसके लिए मुझसे कभी माफी नहीं। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर कैसे सवि और रजत ईशा के असली कातिल का पता लगाते हैं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन जूसेस की तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें कोई भी एंटरटेनमेंट का इंटरेस्टिंग अपडेट।